वापस जाने की तैयारी जो नहीं करनी थी वो हो गई है। आज यहाँ बहुत लोगों की दोस्तियाँ टूटने वाली है क्योंकि मैंने बंटी के पास एक कार्ड देखा है। गुड मॉर्निंग। घर का जितना भी राशन हम लेके आए थे, बहुत सारे डब्बे ले आए थे यार, और हमें लगा बंटी है, वंश है, वो भी जिन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ा, बहुत सामान था, तो जितना भी अनओपन सामान है वो हम यहाँ पे जो मेरे गार्ड भैया जो मुझे डेली हाय बोलते हैं उनको मैं देने वाला हूँ सारा सामान। मैं सामान दे के आ रहा हूँ गार्ड भैया को। छोले भटूरे यार मैं तो नहीं खा सकता, भूख किस किस को लग रही है। सो आज सैटरडे है और आज हमारा प्लान बा गाना बंद करना। सो आज सैटरडे है और आज हमारा प्लान है नेत्रावली लेक जाने का, जिसका नाम बबल लेक भी है या बुड़बुड़ लेक, और इसकी भी अलग अलग स्टोरी है। अगर हम वहाँ पहुँच गए तो मैं बताता हूँ वहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में। अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है, फिलहाल भूख लग रही है और कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है। पैनी नजर है आशिक की और हमें दिख गया वड़ा पाव, मैं लेके आता फटाक से। दिख गया आपको? हाँ जी, मुझे तो लगता है वड़ा पाव एक नेशनल फूड घोषित कर दो यार, बहुत सही होता है, टेस्टी, वन गो पावर स्नैक। अम्मा वड़ा पाव होगा क्या? उसे और खाना है और दे के आओ, गाय प्यारी है, वो सिंह देखो कितनी प्यारी है। तीन ऐसा लगा, तीन स्कूटियां खड़ी हैं, तीनों के हैंडल इस तरफ है। हमारा खाना बन रहा है, इनका खाना हो गया। हिसाब करने में हमें लगा है 15 मिनट, क्योंकि आंटी को हिंदी नहीं आ रहा था, अपने को कोंकणी नहीं आ रहा था, पैसे थे 265 और वो 65 बोलना तो हम दोनों को ही नहीं आ रहा था। लाइफ में ना कुछ भी करो इतना जिद्दी होना है बस एक बार अपने पैशन के लिए। मुझे वैसे बोर्ड तो नहीं लगा हुआ है, ये ऊपर चढ़ गई होगा कहीं, आई एम श्योर, पर गाड़ी नहीं जा सकते यहाँ। मैं पूछता हूँ एक मिनट, रिवोना केव जो लिखा है, रिवोना केव किस साइड है? रिवोना केव भैया ने रास्ता तो बता दिया है, तो अभी चलते हैं। बियर ग्रिल्स गोइंग इन, नहीं लग रहा फिसलन होगी यहाँ पे। लेट्स एक्सप्लोर प्लेस ऑफ गोवा, टोटली ग्रीन, बस यहाँ पे ग्रीन है और कुछ नहीं है। ये रिवोना केव है, बंद है, हनुमान जी की मूर्ति है, सो जय हनुमान। इट्स टोटली ग्रीन, नथिंग एल्स। कोई जगह होती होगी पहले ये अपने टाइम में, देन नेचर टुक इट ओवर जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स। रिवोना, तुम लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हो वो रात को 3-3 बजे उठ के, क्यों बंदा वहाँ पे लगा पड़ा है, कुछ कुछ बनाया जा रहा है पानी के अंदर, जमीन के अंदर, ये वही सीन है। दीज आर रिवोना केव्स, मैं गिर जाता हूँ बोलते बोलते।
ये मैंने व्लॉग के लिए शॉट लिया था, अब मैं जा रहा हूँ गाड़ी में बैठने वापस। ऑनेस्ट व्लॉगर लाइफ, लाइक करो शेयर करो। हरियाणा की गाड़ी आई हुई है यहाँ पे, बुड़बुड़ ताली, यही है बुड़बुड़ ताली। रिकॉर्ड कर रहे थे आप, ये डालना सो रुकावट के लिए खेद है, थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टीज थी, मेरे ड्रोन खराब हो गए थे यार, गिर गया बहुत तेज यार, हल्की सी लगी है पर ज़्यादा नहीं लगी। दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, आज आप उसको देखो। अब मैं एक एक सीढ़ी उतरूंगा 10-10 मिनट में यार, बहुत तेज यार, टांग मुड़ गई। मैं आ ही नहीं रहा वहाँ पे, अब बारिश और काई की वजह से ना बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया ये एरिया, तो पैर जमा जमा के चलो, नंगे पाँव तो फिसलना ही है, नंगे पाँव। नाउ वी आर एट नेत्रावली बबल लेक, ये पूरा मंदिर का पूरा कंपाउंड है और इसके अंदर लेक है, उस लेक में क्या होता है वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, पहले मैं आराम से उतर जाऊँ। सो एवरीवन, दिस इज़ बबल लेक। यहाँ पे साइलेंस रखने को बोला है सबको, बिकॉज ऑब्वियसली लिविंग बींग डिस्टर्ब होते हैं और एरिया बहुत ही ज़्यादा शांत है। तो नेत्रावली के इस जंगल सेंचुरी या जंगल के डेंस डेजर्ट एरिया में ये लेक है, इस लेक का नाम है बबल लेक या फिर बुड़बुड़ लेक या बुड़बुड़ ताली। ये लेक इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर टाइम टू टाइम बबल्स निकलते हैं पानी में, और व्हेन यू क्लैप, जब आप ताली बजाते हो तो यहाँ पर बबल्स निकलते हैं। अभी मैं आपको ताली बजा के भी दिखाऊं। वो नीचे बबल निकल रहे हैं, अंदर पूरा फ्लोरा फौना दिख रहा है, ये देखो। जैसे आप कुछ बोलते हो, आवाज़ करते हो, ताली बजाते हो, तो यहाँ बबल्स निकलते हैं और वाइब्रेशंस होती हैं, और यहाँ पे फिशेस जो हैं वो आपकी डेड स्किन खाने के लिए आती है, विच इज़ फिश स्पा, जो दिल्ली में होता है या हर जगह होता है। तो अभी बाकी तीन लोग यहाँ पे फिश स्पा करा रहे हैं। अभी नहीं नहीं कुछ नहीं, मज़ा आ रहा है, एक पैर कर ले, आगे कर, आगे आगे कर, आगे कर, आगे कर, ऊपर आगे। तो बीचेस हमने बहुत सारे देख ही लिए, साउथ नॉर्थ सब कुछ, तो अब ये थोड़े अलग अलग हाइड आउट्स कर रहे हैं हम। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑफ बीट प्लेस है, एक अलग सी वाइब है, मतलब कि जिस चीज़ के लिए गोवा फेमस है, नो आई एम सॉरी, ये वो नहीं है, ये वो है जिस चीज़ के लिए गोवा एक्चुअल में फेमस होना चाहिए। आज का हमारा दिन बिल्कुल एंशियंट चीज़ों में जा रहा है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, ग्रीनरी, ग्रीन का फिश स्पा अभी नहीं ख़त्म होगा ना, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मेरे बेबी स्टेप चालू है, दीक्षु वहाँ पर है। विष्णु जी है ना, विष्णु जी, आई होप एवरीवन ट्रैवल्स, लेट्स गो टू सम अदर प्लेस नाउ। दीक्षु इज हेल्पिंग मी कि जहाँ जहाँ ग्रीन है वहाँ पैर नहीं रखना। तो टॉप टिप फॉर ऑल ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, जहाँ जहाँ ग्रीन है वहाँ पैर नहीं रखना, पर अगर इसका डीप मीनिंग देखा जाए तो जहाँ जहाँ ग्रीनरी है प्लीज़ अपनी टांग मत अड़ाएं, उसे ग्रीन रहने दें। सो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ फ़ोन के सिग्नल नहीं आते हैं, एंड यू मस्ट कम हेयर, तो ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करके लाना यार। थैंक यू सर, अपना ध्यान रखना। तो हम इसी रास्ते से अब निकल जाएंगे फॉरेस्ट के बीच में से, पालोलेम। चोट तो कमी लगी है, ये देखो इतना सा लगा, छिल गया, बट टांग में बहुत दर्द हो गया क्योंकि पैर ऐसा हो गया मेरा। यहाँ पर कुछ है, लोगों ने भीड़ लगा रखी है।
बहुत अच्छा दिन जा रहा है अभी तक। अब आ गए हैं पालोलेम वापस। आप देख चुके हो पालोलेम, पालोलेम की वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा। बीच रिजॉर्ट, इसमें कुछ खाने जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट काइंड ऑफ। आज हमारा शाम को यहाँ रुकने का प्लान बन गया है क्योंकि बंटी का बर्थडे है, बाकी फाइनल नहीं हुआ है। लेट्स सी, अभी तो आइडिया दे के आया हूँ मैं बाहर। और पास्ट का एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरा आइडिया पक्का और 100% कैंसिल होगा। अब मैं विक्रम आ रहा, चतुर नार का चतुर, पानी के बीच में खड़ा होके व्लॉग बनाऊंगा तुम्हारे लिए। इस बात के लिए तो लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जो करना है करो यार, करो। हाँ नहीं डूबा। जोक सपाट, हमने गोवा में इतने सारे बीचेस देख लिए हैं, अब साउथ नॉर्थ सब मिला के और बीच के भी पालोलेम सबसे ज़्यादा खूबसूरत। हम बिल्कुल पानी के बीच में आ गए। तो ऐसा रहा हमारा सैटरडे। आज हमने 3 अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस पे गए, बहुत ज्यादा मजा आया। गोवा की असली वाइब जो ऑथेंटिसिटी थी वो देखी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। गुड नाइट फॉर नाउ गाइस, सी यू टुमारो।